बर्ड वॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। आइए हम आपको ले चलते हैं दमोह शहर के ऐसे प्रसिद्ध मंदिर जहां 2002 से लगातार श्री रामचरित मानस पाठ का पाठ निरंतर जारी है। यह पाठ भक्तों की व विश्व के कल्याण के लिए, विश्व की शांति के लिए आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में जब हमने मंदिर के पंडित जी से बात की तो उन्होंने बताया कि यह पाठ 2002 से निरंतर करीब 24 घंटे में 20 से 25 लोगों के द्वारा इस पाठ को किया जाता है और जो 2002 से निरंतर जारी है वह आगे भी विश्व कल्याण के लिए भक्तों के सहयोग से निरंतर जारी रहेगा। आप भी जड़ासंगा धाम स्थित इस मंदिर में पहुंचिए और दर्शन कर धर्म लाभ प्राप्त करिए। देखिए खास रिपोर्ट। जी पंडित जी बताएं ये किस प्रकार का आयोजन लंबे समय से चल रहा है? ये रामचरित मानस चल रही है विश्व कल्याण के, और जो 7/10/2002 में प्रारंभ हुई थी शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को, और जब से लेके आज तक यह रामचरित मानस चालू है। और यह रामचरित मानस चलाने का उद्देश्य है कि सर्वजन हितार्थ के, जैसे मान लीजिए रोग बाधाएं आती हैं, रोग और अन्य जो समस्याएं आती हैं उनके लिए रामचरित मानस का ही पाठ है होता है, जिसमें जो बाधाओं निवारण हेतु उसमें जो मंत्र दिए गए हैं वह मंत्रों का ही पाठ निरंतर पाठ चल रहा है। करीब 24 घंटे में कितने लोगों के द्वारा इसमें सहयोग किया जाता होगा पढ़ने में? 24 घंटे में कम से कम 20-22 आदमी होते हैं जो अपने समिति के मानस मंडल के हैं, वो अपने नियमित आते जाते हैं और अपना पाठ करते हैं। अपने मनु महाराज जो है उनका देखरेख में, उनकी देखरेख में ये चलती है, और उन्हीं के द्वारा यहाँ का निरीक्षण वगैरह हो।